अभी आप लोग देख रहे हो, आपका मनोज भाई आज दूल्हा बन गया है, ठीक है। ड्रेस से ही देख के तो पता चल रहा होगा। तो अभी मैं हूँ कोलकाता में। कल ऐसा सिचुएशन ही क्रिएट हो गया था कि हमें कोलकाता रात में ही आना पड़ा था, ठीक है। वो एक ब्लॉग और आएगा जो मैंने शूट करके रखा हुआ था, क्या सिचुएशन हुआ था नहीं हुआ था, और उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन बाद में भी करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पूरा रेडी हो गए हैं, मैं तो दूल्हा बन ही गया। और ये रही, आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोगों का कमेंट भर भर के आया करता था, तो बोल देना भाभी कब आप लोग शादी कर रहे हैं, कब शादी कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग शादी कर रहे हैं आज के दिन। ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, देखते हैं शाम तक डाल पाए या फिर कल आ जाएगा। एंड फोटो इंस्टाग्राम पे मैं पहले पोस्ट करूंगा जैसे ही क्लियर होता है मामला तो आप लोगों को बता जाऊंगा। मतलब ये बाद में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ था, बट आज की दिन बहुत बड़ी खुशी वाली बात है, क्योंकि लाइफ में इंसान का शादी एक ही बार होता है। और खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दुख भी हो रहा है अंदर से, क्योंकि हमारे साथ मेरे हमारे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है ना। इनके घर से कोई है ना मेरे घर से कोई है, क्योंकि हमने काफी मनाने का कोशिश किया था। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट ऐसा कुछ कदम उठाए हैं, बहुत मनाए, घर वालों को बहुत ज्यादा ट्राई किया कि हम लोग एक दूसरे में खुश रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं, हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं किस बात का डर है पता है, बस दो ही बात का डर है, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, गाँव क्या कहेगा, ठीक है। ये चीज होता है गाँव में, थोड़ा बहुत ऐसा मेंटेलिटी है। लेकिन मैं अभी ये भी बोलना चाहूंगा, कोई इस वीडियो के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस मत हो जाना। अगर आपको लव मैरिज करना है, वो भी इंटर कास्ट मैरिज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज को लेकर। लेकिन हम कर रहे हैं, इसमें दो पॉजिटिव पॉइंट है। पहला, आई एम मैच्योर, दोनों ही मैच्योर है, ठीक है। हमारा 26 मेरा एज हो रहा है, इसका भी बराबर ही होगा कहीं, तो मैच्योर भी है। हमें सही डिसीजन और गलत डिसीजन का पता नहीं, क्या सही है क्या गलत है, हम लोग अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। और हम दो तीन साल से रिलेशनशिप में हैं, तो हमें एक दूसरे को हम लोग अच्छे तरीके से समझ भी गए थे, पता भी है कि वो मुझे मैनेज कर पाएगी कि नहीं, हम लोग जिंदगी पूरा गुजार पाएंगे कि नहीं, और मुझे भी पता है मैं उसके साथ रह पाऊंगा। तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है। लेकिन हाँ, आप लोग इस वीडियो के थ्रू गलत इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ऐसा नहीं कि बाप माँ के अगेंस्ट में जाकर के शादी कर लो। मैं भी अगेंस्ट में जाकर के शादी नहीं किया, मैंने काफी मनाने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं मान रहे। उनको गाँव का खुशी से मतलब है, समाज का खुशी से मतलब, फैमिली रिलेटिव सबका खुशी से मतलब है। लेकिन जिसको रहना है, जो जिंदगी भर जिसके साथ बिताए, उसका Thank you.